राधा रानी के परम भक्त और वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज को आज के समय में भला कौन नहीं जानता। प्रेमानंद महाराज के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होते हैं। प्रेमानंद महाराज के पास एक से बढ़कर एक वीआईपी लोग पहुंचते हैं, लेकिन वो उनसे परिचय लेने के लिए भी मना कर देते हैं। हाल ही में उनके पास देश के फेमस WWE रेसलर दिलीप सिंह राणा यानी द ग्रेट खली भी पहुंचे। खली ने महाराज से पूछा, मैं शुरू से ही काफी सत्संग सुनता हूं, लेकिन जब थोड़े दिन संतों की हरकतें देखता हूं, तो मन टूट जाता है। फिर मैं सोचता हूं कि सत्संग तो सुनना है, लेकिन करूंगा वही जो मुझे करना है। इस पर प्रेमानंद महाराज ने कहा, आप मिठाई पसंद करते हैं या मिठाई वाले को पसंद करते हैं? खली ने कहा, मिठाई को। तो प्रेमानंद महाराज ने कहा, तो फिर मिठाई वाले से क्या लेना देना? आपने सत्संग सुना है ना, तो आपको सत्संग से मतलब होना चाहिए, ना कि सत्संग सुनने वाले से। वो तो जो बोलेगा सत्य ही बोलेगा, क्योंकि वो समाज में बोल रहा है। इसके अलावा वो जो करेगा उसका फल वो पीछे भोगेगा। असली रुपए का ही नकली बनता है, इसलिए अगर आपको नकली नोट मिल चुका है तो असली की खोज कीजिए। असली मिल जरूर जाएगा, क्योंकि नकली बना ही असली से है। अगर वो असली ना होता तो नकली निकलता ही नहीं। वैसे ही अगर आप सत्संग सुनते हैं तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी असली मिल ही जाएगा, और एक बार असली मिल गया तो आपके हृदय का परिवर्तन पक्का समझ लीजिए। उसके सानिध्य मात्र से आपके हृदय में हलचल पैदा हो जाएगी। केवल प्रवचन नहीं होता, उसमें पावर होती है। जैसे आपके बाजू में ताकत होती है, वैसे ही हमारी जुबान में ताकत होती है, हमारे अध्यात्म में ताकत होती है। आपका परिवर्तन न कर दे तो उपदेश कैसा? प्रेमानंद महाराज ने द ग्रेट खली को सलाह दी कि आपने जो किया वो आपके साथ जाएगा। आपके जाने पर आपके साथ धन होना चाहिए। ऊपर वाले के पास यहाँ वाला सिक्का नहीं चलेगा, वहाँ पर नाम जप चलता है, तो आपको वो कमाना होगा। इसलिए आपको जो नाम प्रिय है वो जपना चाहिए।